एटीके स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में। और हमने एक क्वेश्चन एंट्री करी थी परचेज ऑर्डर में, ठीक है, परचेज ऑर्डर किया था और उस ऑर्डर को चेक कैसे करेंगे। तो एक ऑप्शन आता है अल्ट जी प्रेस करके, परचेज ऑर्डर रजिस्टर, क्या प्रेस करेंगे, अल्ट जी, और यहाँ सर्च करेंगे परचेज ऑर्डर रजिस्टर, आ गया मेरा, तो उसमें दिखा देगा कितना ऑर्डर आपने किया है, देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे मंथ दिखाई दे रहे हैं अप्रैल से लेके मार्च तक, लेकिन काउंटिंग किस मंथ में दिखा रहा है, देखिए तो अप्रैल माह में एक काउंटिंग दिखा रहा है, यानी एक ऑर्डर किया गया, इंटर करिए तो वो ऑर्डर भी दिख जाएगा। और अल्ट F5 या अल्ट F1 से इसको एक्सपेंड कर लेंगे, देखिए अल्ट F5 या अल्ट F1 से डिटेल में देख पाते हैं, ठीक है, चलिए एक ही दिखा रहा है ना। चलिए उसके बाद से बोला है आप परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली भी चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, आपने जो ऑर्डर किया है क्या आपको मिल गया है, नहीं मिला अभी, तो आपने ऑर्डर किया ना, तो कहीं ना कहीं बकाया है कि नहीं बकाया है, तो आप अल्ट जी प्रेस करके यहाँ सर्च करिए परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली पे क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए तो बता रहा है कि ये दो दो आइटम आपने ऑर्डर किए हैं, पार्टी का नाम सनसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टू लिखा हुआ है, टू समसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों आइटम के नीचे लिखा हुआ है टू समसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टू समसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, देख रहे हो ना। और आइटम का नाम है सैमसंग 6 kg टॉप लोड और सैमसंग 6 kg में फ्रंट लोड, और दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 50-50 पीस, टोटल 100 है, और रेट जो है 22-50 है, 22,50,000 के करीब, बात क्लियर है। चलिए तो फिर एक और ऑर्डर हमें करना है, और ये ऑर्डर हमें करना है LG को, थोड़ा नीचे आइएगा, देखिए स्क्रीनशॉट ही लगाया गया था ना, अरे अभी दिखाया नहीं हूँ दीवार, ठीक है बोला करिए। अगला एक और ऑर्डर करना है, लेकिन इस बार पार्टी का नाम क्या है, एल जी इलेक्ट्रॉनिक है और ऑर्डर नंबर PU02 है, वाउचर और Ctrl F9, याद आ रहा है ना शॉर्टकट की, पार्टी का नाम एल जी इलेक्ट्रॉनिक नहीं बना है, अल्ट सी करके बनाएंगे LG। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं तो ये हमारा सप्लायर ही है, और कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ ऑर्डर नंबर डालेंगे PU-02, इंटर, और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट होगा, आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, LG 6 kg में टॉप लोड, गोडाउन में पटौना दिया होगा, क्वांटिटी 30 दी है ना, 30, और रेट दिया होगा 15-15,000, और एक है LG 6 kg में फ्रंट लोड, ये भी क्वांटिटी उतनी है, गोडाउन भी सेम है, पटौना 30 और 35,000 से, यानी ये ऑर्डर कितने हो गया, 15 लाख का, इससे पहले कितना ऑर्डर था, 22-50, 22 लाख में 22,50,000 में 15 लाख जोड़ देंगे तो 37-50 हो जाएगा, 37,50, याद आ रहा है ना, ठीक है इसको सेव कर लेंगे। अब फिर से अल्ट जी प्रेस करिए, अल्ट जी फिर से चेक करिए परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, अब देखेंगे आप बढ़ गया होगा, यहाँ पे चार आइटम हो गए हैं, देखो LG के दो, सैमसंग के दो, बैलेंस अब 37-50 हो गया है, 22-50 तो आप कितना हो गया है, क्योंकि 15 लाख बढ़ गया, समझ में आ गई बात ना। चलिए तो परचेज ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा अब ऑर्डर कर दिए तो उस चीज में क्या होंगी, प्राप्त होंगी ना, यानी कौन सा वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर नहीं, रिसिप्ट नोट वाउचर, ठीक है। चलिए कहा है, एक स्क्रीनशॉट लगाया, देख लीजिए 37,500, देख रहे ना, कहा है, अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर का, कहा है रिसिप्ट वाउचर नोट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव परचेज ऑर्डर, यानी रिसिप्ट नोट का इस्तेमाल, यानी इस वाउचर का इस्तेमाल किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, परचेज ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, कि क्या हमने ऑर्डर दिया है और क्या हमें प्राप्त हो रहा है, व्हेन द गुड्स आर रिसिप्ट फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट द प्लेस्ड ऑर्डर, और हमें क्या होता है, सामान वही ऑर्डर रिसीव होता है जिस रेफरेंस से हमने ऑर्डर किया था, आप जो ऑर्डर करते हैं वही ना आपको प्राप्त होता है, का रिसिप्ट नोट इज रिकॉर्डेड दे एंट्री विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक समरी रिपोर्ट, और कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्टॉक समरी रिपोर्ट में, और आपको क्या रिसिप्ट करना है, जो हमारे पार्टी का नाम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है उनसे जो ऑर्डर हमने दिया था वो ऑर्डर हमें अब रिसीव हो रहा है, वो ऑर्डर हमें रिसीव करना है, और रिसिप्ट करने के बाद जो लगेगा कि डैमेज है या क्वालिटी मैटर है, डजन मैटर, जो भी मैटर होगा, तो उसके बाद से हम वो चीजें रिजेक्ट करेंगे, यानी कि रिएक्शन आउट इस्तेमाल करेंगे, लाइन से याद करिएगा, क्या परचेज ऑर्डर रिसिप्ट नोट
उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आउट, परचेज और लास्ट में डिलीवरी नोट। बात क्लियर है? तो परचेज तक आज पढ़ना है। तो चलिए रिसिप्ट नोट का इस्तेमाल करते हैं। उस वाउचर को इनेबल करने के लिए क्या दबाएंगे? ऑल्ट एफ नाइन। क्या दबाएंगे? तो आपका क्या खुल जाएगा? रिसिप्ट नोट। रेफरेंस नंबर में 01 कर दिया और पार्टी का नाम ले लिया क्या? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। तो एक बात बताइए, ऑर्डर किए तो आइटम का नाम लिखे थे ना, तो अगर वो चीज प्राप्त करेंगे तो आइटम का नाम फिर लिखेंगे? नहीं, ऑर्डर नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आइटम दिख जाना चाहिए, यही नियम है। यानी आप एक ही बार आइटम का नाम डालिएगा जब ऑर्डर करिएगा, उसके बाद वो सारे आइटम अपने आप ही आनी चाहिए, आपको हाथ से भरना नहीं है। तो देखो यहाँ ऑर्डर नंबर दिख रहा है, कौन सा वाला? क्या यहाँ कोई आइटम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। जैसे मैं PO01 उठाऊंगा, इंटर करूंगा, और जैसे इंटर करूंगा देखिए, तो अब आइटम दिख रहा है। हाँ, क्या ये दोनों आइटम का नाम मैं लिखा हूं अभी? नहीं, अपने आप आ गया है। सिर्फ क्यों आ गया है कि जैसे ही आपने ऑर्डर नंबर रिसीव किया है तो ये अपने आप मिल गया, कोई दिक्कत? और इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और रिसीव करना है। देखिए दो ऑर्डर किए थे ना, रिसीव करना है। सब समझाया? देखिए स्क्रीन शॉट लगा के सब समझाया है, कब का क्या क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक और रिसीव करना है, और यहाँ LG से करना है। किसे करना है? LG से। और इसका ट्रैकिंग नंबर कितना दिया हुआ है? रेफरेंस नंबर 5। तो यहाँ क्या भर देंगे? 05। इंटर करेंगे, पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक। क्या लेंगे यहाँ पे? PO02 को सिलेक्ट करेंगे, जो ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे तभी आइटम के नाम आएंगे। इंटर कर देंगे, इंटर। देखो देखो आइटम का नाम आ गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा। जो ऑर्डर हमने दिया था वो ऑर्डर उसमें क्या हो गया है? रिसीव हो गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अल्ट जी, परचेज ऑर्डर, ड्यू ओनली। देखिए तो अब यहाँ ड्यू ओनली में दिखा रहा है, क्यों हट गया? सब रिसीव कर लिया आपने, जितना ऑर्डर ड्यू था वो आपने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, समझ रहे ना? ठीक है, और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और कहा है कि अब इस चीज कहाँ देखेगा? पेंडिंग बिल में देखेगा, यानी जो बकाया था वो हो गया। अब अल्ट जी प्रेस करेंगे, ये सब चीज कहाँ देखेगा? परचेज पेंडिंग बिल लिखा हुआ है, बिल पेंडिंग। क्या लिखा है? परचेज बिल पेंडिंग। इंटर करिए। क्यों क्यों पेंडिंग में दिखा रहा है? क्योंकि इसका बिल पेमेंट किए हैं आप, अभी तो ऑर्डर दिए थे और चीज रिसीव किए ना, अभी किए क्या है? यानी अभी परचेज में इनवॉइस एंट्री ही नहीं हुई है। तो देख रहे ना कितना ऑर्डर दिए हैं, 50 50 30 30, टोटल कितना हुआ है? 160। और आपको पाना कितना है? 160 अभी पेंडिंग में है ना, कहाँ मिला है एक भी? और बैलेंस कितना है टोटल? 37,50,000। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे। कहा है अब स्टॉक वाउचर आप चेक कर सकते हैं कितना पैसा कितने का बाकी है, और किसी आइटम का ले लीजिए। चलिए क्या प्रेस करेंगे? अल्ट जी और लिखेंगे स्टॉक वाउचर, रहा स्टॉक वाउचर। इंटर कर लिया। किस आइटम का? सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड है। देखिए फाइल में क्या लिखा हुआ है? सैमसंग फ्रंट लोड 100 पेज 101 पेज पे है। इंटर करेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट में ही दिखा रहा है क्या? 50 पेज का सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का इनवर्ट कितना हुआ है? 50। और ये भी बचा हुआ है 50, 30,000 ग्रेड से, देख रहे हैं ना? तो अब आपको करना है कि हमने ऑर्डर दिया था, दो दिया था, सैमसंग वाला दिया था 50 50 का, और एलजी का दिया था 30 30 का। याद करो, एलजी का 30 30 का ऑर्डर दिए थे और सैमसंग का 50 50 का। अगले ही पल कहा है एक और पॉइंट कि रिकॉर्डिंग रिजेक्शन आउट वाउचर। अब किसका इस्तेमाल करेंगे? रिजेक्शन आउट का, यानी चीजों को हम रिजेक्ट करेंगे, वापस करेंगे, मतलब कोई भी कमी हो सकती है, क्वालिटी, अमाउंट, है ना, कुछ भी हो सकता है। कहा है इस वाउचर का इस्तेमाल, यानी कि रिजेक्शन आउट वाउचर इज यूज्ड फॉर टू रिकॉर्ड द गुड्स।
दैट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू ऑफ सप्लाई बिफोर अकॉर्डिंग द परचेज बिल। यानी कह रहा है कि रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब गुड रिजेक्टेड हो और आप अपने सप्लायर को वापस करें। किसको वापस करें? सप्लायर को वापस करें कब? परचेज में एंट्री करने से पहले। अगर परचेज में एंट्री करने से पहले कोई सामान वापस कर रहे हैं तो रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर परचेज में एंट्री करने के बाद कोई चीज वापस होगा तो डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। आई रिपीट कि परचेज में एंट्री करने से पहले कोई सामान वापस करेंगे तो रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और परचेज में एंट्री करने के बाद कोई सामान वापस करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे। क्या हमने अभी परचेज किया है? नहीं, सिर्फ ऑर्डर दिया है, चीजों को सिर्फ रिसीव किया है। कहीं भी परचेज में एंट्री की है अभी तक? नहीं। यानी अब किसी कारणवश तीन बीच हमें वापस करना है। कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि श्रीदेवी इंटरनेशनल ने चेक किया है और उसको पाया है कि कुछ गुड्स में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के तीन पीस डैमेज है। क्या है? या इस कंडीशन में नहीं है कि लोग उसका इस्तेमाल कर पाए, नॉट यूज इन योर कंडीशन। तो इसलिए वो डिसाइड किया है, श्रीदेवी कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटर्न द गुड्स टू आवर सप्लायर। वो अपने सप्लायर को क्या करना चाहती है? उस गुड्स को रिटर्न करना चाहती है। बट आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने परचेज में एंट्री पास नहीं की है, और दैट कंडीशन वी आर यूज अ रिएक्शन आउट वाउचर, क्योंकि जब तक परचेज में एंट्री पास नहीं होगी तब तक हम डेबिट नोटिस को नहीं कर सकते। तो कितना पीस खराब निकला है? तीन पीस, एक ही आइटम है। किसको वापस करेंगे? जिससे कर दे उसी को ना। कौन सा आइटम है? सैमसंग का। पार्टी का नाम भी क्या होगा? सैमसंग ही होगा। चलिए, तो उस वाउचर को इनेबल करेंगे। वाउचर इनेबल करने के लिए क्या बोले थे? पहले चेक कर लिए वाउचर में कहीं रिजेक्शन आउट वाउचर दिख रहा है नहीं। अदर वाउचर में आइए, कहीं रिजेक्शन आउट वाउचर दिख रहा है? ये रहा। अगर नहीं दिखता तो कहां जाते? तो इनएक्टिव में, और यहां से एक्टिव कर लेते। चलिए, दिख गया यहीं से, बहुत अच्छी बात है। अदर वाउचर में और कंट्रोल F5 इंटर कर दिया। किसको वापस करना है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को। सैमसंग का यहां एड्रेस डाल लीजिएगा, जो भी एड्रेस होगा, XYZ जो भी होगा। आइटम कौन सा रिटर्न करना है? सैमसंग 6 kg में फ्रंट लोड है। फ्रंट लोड कितना पीस? ऑर्डर नंबर देखो, ऑर्डर नंबर कौन सा लेंगे यहाँ पे? 01 जिसमें दिखा रहा है। कितना पीस? 50। तीन। कितने हजार का सामान वापस? 90,000 का। अब बताइए, 50 का ऑर्डर था, 3 वापस हुआ, कितना बचा हुआ? 47। अल्ट जी प्रेस करिए, स्टॉक वाउचर देखिए तो इंटर। किस आइटम का? सैमसंग फ्रंट लोड ना, 6 kg में। देखिए था कितना बच गया अब, सिर्फ 47 बजे। और किसमें? परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली कर दीजिए, अल्ट जी परचेज ऑर्डर था ना, इसमें से कुछ दिखाया नहीं। हाँ, ये रहा 50 पीस का ऑर्डर था, अभी भी 3 बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि वो दे भी देगा तो 47 ही ना आएगा आपके पास। और एक और क्या चेक किए थे हम लोग? क्या था? परचेज बिल पेंडिंग। हाँ, अल्ट जी प्रेस करके परचेज बिल पेंडिंग एंटर। देखिए तो 160 पीस था ना, 100, 130, 130, 160, अब कितना हो गया? कम हो गया। ये 50 की रिक्वायरमेंट थी, 50 पेंडिंग में है। 50 की रिक्वायरमेंट थी, कितना पेंडिंग में है? जबकि यहाँ भी 50 होना चाहिए था, नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 पीस क्या कर दिया आपने। तो आप परचेज करेंगे भी, अब तो बाकी सामान तो कंफर्म हो गया ना लेना है। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? जस्ट इसके बाद लगा था, रिक्वायरमेंट थी 50 की इनिशियल में, प्रारंभिक में, और पेंडिंग भी था 50, 50, 50, 50, 50, 30, 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
करेंगे भी, अब परचेज मिनटी करेंगे भी, तो कितने घंटे होगी, 47 की 50 की, 47 की ही होगी। तो अब तो कंफर्म हो गया सामान लेना है ना, जब वापस कर दिए तो जस्ट इसके बाद में क्या करेंगे, 1 घंटे आज पास कर लीजिएगा, ये तो हो गया ना ये वाला 3 पेज। अब इसके बाद 1 घंटे पास वो कर लीजिएगा, किस नाम से वो परचेज कर लीजिएगा, इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है, ST/011 कर लीजिए, इसके अपने बाहर ये अपना जैसे परचेज इनवाइस नंबर ST/011 011। इंटर, पार्टी का नाम क्या है,
पार्टी का नाम क्या है? सैमसंग ना, सामने देखिए ना आप लोग, बस नोट्स में देखिए, इंटर कौन सा नंबर 01, 01 करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए अपने आप आइटम डाल लिया, और आइटम उठाया भी था, देखो पहला तो 50 उठाया है, सही है, लेकिन दूसरा क्यों? क्योंकि 3 तो आपने वैसे रिजेक्ट कर दिया था ना, बस यही तक कर लेना है। और अब चेक करिए तो पेंडिंग वाले में, अच्छा अब चेक करेंगे तो हट जाएगा, कोई दिक्कत है? आज यही तक करना है, बैलेंस शीट मैच करा लीजिए। 3 6 6 0 0 0 एंड 0, ठीक है? चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास। नोट्स भी बहुत लंबा